पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के लुधियाना कोर्ट में कल हुए ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है? क्या कोई पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है? इन तमाम सवालों के पीछे एक बड़ी वजह ब्लास्ट की टाइमिंग है। वहीं पंजाब में चुनाव करीब है, इसलिए सियासत भी जोर पकड़ चुकी है। उधर एनआईए और एनएसजी की टीमें जांच में जुटी हैं, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। इस घटना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजिठिया का नाम लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं अकाली दल ने भी आरोपों का जवाब दिया है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पॉलिटिकल एजेंडे के लिए लोगों में डर फैलाया जा रहा है। ये नकारात्मक राजनीति की प्रकाष्ठा है कि बेकसूर लोगों की जानें ली जा रही हैं वोट्स की पोलराइजेशन के लिए। मेरा सवाल यह है कि पौने पांच साल सब कुछ ठीक था और यह सेम प्रक्रिया बंगाल में भी हुई। यह पौने पांच साल ठीक था और यकायक जब एक दो महीने रह जाते हैं तो अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, बेअदबी फिर बेअदबी, लोग पहरेदार बने और अब ये जघन्य अपराध। ये कमजोर बेकसूर लोगों के साथ गंदी राजनीति हो रही है।